नहीं हो। हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग चैनल। वॉइस चालू नहीं।
बहुत कम ही जाएगा, जितना आइडियल कम ही जाएगा। अगर आप स्टोर नहीं करते और एज इट इज रखते हो तो कितने साल लगेंगे, वो एक स्टडी है, पता है? हाँ सर, वो इसमें है। आप इसको महीने महीने की बता रहा है, 28 इयर्स लगते हैं। तो स्टरिंग का इफेक्ट इतना, अगर आप उसको एकदम सेटल रखो, उसको कुछ भी डिस्टर्ब, 20 इयर्स लगेंगे पूरा कंसंट्रेशन एक होने के लिए। मतलब करो नहीं, एमओ में भी आता है, एमओ में भी एजिटेशन वाला चैप्टर है ना, वो इसमें आ रहा है। अगर हम एजिटेशन नहीं करते तो वो 5 ग्राम डिसोल्व होने के लिए भी 28 इयर्स, कोई कितना भी ग्राम, मतलब वो कंसंट्रेशन आने के लिए, मतलब टोटल डिसोल्व होने के लिए उतना रहेगा। ये हमारा स्टरिंग का और मिक्सिंग इफेक्ट है। ये सर विस्कोसिटी ज्यादा आप रख ही नहीं सकते, ऐसा भी बोला था कि वो उतना डायमीटर तो रहने वाला ही नहीं। आप इतना भी करोगे तो थोड़ा बहुत तो सेम डायर नहीं रहेगा, थ्रू आउट वाला। क्योंकि सम वो जो होता है ऐसा ही है कि जैसे जैसे अबाउ, मतलब अबाउ अपर डायरेक्शन से मूव होगा तो आपका बबल डायर तो थोड़ा बहुत बढ़ेगा, लेकिन सम वॉट मेंटेन कर सकते हो, थोड़ा बहुत मतलब कर ही सकते कर सकते हो। मल्टीपल स्पार्जर यूज करो, नहीं होगा गैस तो जाने वाली, लेकिन लिक्विड भी पाता गैस भी जाएगी कि नहीं, तो जो आया वो मल्टीपल स्पार्जर लगा बीच बीच में, अगर बबल का डाया तो सेम होगा ना। मतलब मैंने पहले कहा था कि रहने वाला तो नहीं है, तो ट्रैवल होगा तो उसका नेचर ही है, वो तो एक्सपांड होगा, गैस तो एक्सपांड होगी तो बबल एक्सपांड हो गई, बट समवट वही गैस अगर नेक्स्ट इसमें जाएगी तो कुछ तो फोर्स मेंटेन होंगे। सर हमने ऐसे सोचा ही नहीं, हमने डायरेक्ट ऐसे ही सोचा, एक ही स्पार जाने वो तभी आता है जब आप प्रैक्टिकली सिस्टम पे वर्क करो, मतलब उसके सामने रहोगे ना, तभी आइडिया आएगा। प्रैक्टिकली वर्क नहीं करोगे तो फिर आपको अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग, या फिर जो हम अब तक पढ़ते सोचते रहते और कुछ लिटरेचर देखते, उससे आइडिया आते रहते, उससे हमें नया नया टेक्निक यूज कर सकते हैं, यूज करके देखते हैं हम लोग। कितना ग्राम क्या? 62 ग्राम ही है और 23 ग्राम अभी से मेजर करना पड़ेगा। हाँ तो उसमें भी निकलेगा नहीं, और थोड़ा देखो तो थोड़ा विग्रेसी तो जाएगा, 1-2 ग्राम जाएगा, 5-10 ग्राम का नहीं फटेगा। तुमको ना देखिए अभी तो फिल्टर मारना है ना,
लो पहले कितना अमाउंट का डीजल हो गया, थोड़ा सही रहा, और इस पैसे विग्रह भी कर पाएंगे तो और थोड़ा जाएगा। अभी भी सैचुरेशन, हाँ नियर एयरपोर्ट पे सैचुरेशन है, थोड़ा बहुत ही 10 मिनट स्टार करो, ये तो सॉल्व है, फटाफट रिजल्व हो जाएगा, होना चाहिए 10 मिनट से ज्यादा है था, ये तो मुझे लगता हो गया इतना कोई गलत नहीं, थोड़ा सा डाल के देखो। आज मैं पहले लिटरेचर परसेंट फाइल किया, हां 72 ग्राम पर 72 72 100 ग्राम डाल देने का नहीं तो वैसे भी कम ही जाएगा, ये पॉजिटिव वाटर है आपको पाउडर दे दिया तो कैसे फाइन करोगे, तो थोड़ा थोड़ा करके तो अननोन है, इससे मैं ऐसे ही करवा दूँ, पूरा 100 टन डालो, ये 2 घंटे में खत्म खत्म करना इसी तो हमारे एक्सेस में जितना होना उतना हो जाएगा। वो एनबीए के आया है तो अभी निकल रहा है, बीके निकल रहा है मेरे पीसी में, इसका रिकॉर्डिंग चालू है, तो जैसे लैब खत्म हो जाएगा पीसी बंद कर देना और मीटिंग बंद कर, और आपके मार्क्स मैंने एमपीओ के मेरे से एम के आपके ग्रुप में रखे अभी आगे देखना। इसके ऊपर नहीं जाएगा, जितना होना उतना जाएगा, उसकी ज्यादा ज्यादा है। बहुत लोगों के न्यूमेरिकल वगैरह में मार्क कट गए ना, न्यूमेरिकल्स में बहुत ज्यादातर मार्क तो न्यूमेरिकल्स में बहुत कम लोग मिले, और डिफ्यूजन वाला सही था एक्सट्रैक्शन में, सर ये प्रॉब्लम होगी 2% निकोटीन था ना, तो सर हमने जो ग्रुप में से याद किया था तो उसके हिसाब से लग गया, लेकिन जब फीड पॉइंट ड्रॉ करना है ना वो 2% तो बाहर चला गया, फिर से ग्राफ ग्रुप होगा। हाँ टाइम लिमिट इसीलिए और सर आपने वो पैक टावर के पूछे थे ना कैरेक्टरिस्टिक, सर उसमें भी कंफ्यूजन सब लोगों ने, मतलब चार मैंने काम किया, 3-4 लोगों का बराबर है, मैंने पूछा गया था आंसर कुछ अलग ही, लेकिन इसमें मार्क सबसे डाउन होगा, एटले 4 मार्क में से तभी मैंने दे दिया मार्क किसी को 2 जैसे थोड़ा थोड़ा ऐसे, लेकिन जो क्वेश्चन था ना वो मैंने क्लास में, मेरा क्लास नहीं होना तो सबको बताने वाला था, इसलिए मैंने ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स लिखा, तो सबने मैंने क्या लिखा था ऑपरेटिंग, मैंने पढ़ाते टाइम भी बोला था कि ये 2 चीजों 2 टाइप में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एक तो फील का दिया था वो भी 2 टाइप में, और एक ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक का भी बोला था, सबने क्या लिखा है अभी आप लोगों ने तो मुझे इतना याद नहीं अभी कि किसने क्या लिखा, सबने ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्यूट रे तो स्यूट रे ड्रॉ कर दिया, मोस्टली स्यूट रे ड्रॉ किया है, स्यूट रे ऐसी होती है वैसी होती है, परफोरेशन होते हैं, हॉरिजॉन्टली प्लेस होते हैं, और सबका आंसर कॉपी पेस्ट है, सभी का आंसर कॉपी पेस्ट है, वो भी देख लिया मैंने सर, निकले वाला किया थोड़ा खेल हम भी रखते है, क्योंकि
आपको फिर क्वेश्चंस भी क्या दे, किस टाइप के देंगे, बराबर इजी क्वेश्चन है। लेकिन सर लिखा था बाद में सर पता चला, लेकिन जिन्होंने लिखा है उनको मार्क खोली दिया हमने, लेकिन कुछ ऐसे लिखा है कि ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स सबसे गलत लिखा, बाकी तो सबने बराबर लिखा है। ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स में कंफ्यूज हो गए सब लोग, वो ऑलरेडी बुक में दिया है। तो फील में तो वही आएगा ना कि कॉन्टैक्ट ज्यादा होना चाहिए, ऐसा फील पैकिंग होना चाहिए, कोरोजन लेस होना चाहिए। हां वो तो जो बुक में वो 4-5 पॉइंट जो है भाई हो गया ना। चलो अभी काउंट कर लो, अच्छे बाकी रही नहीं, हां बस हो गया, अभी इसके ऊपर नहीं जाएगा, ये हो गया आपका सेपरेट सॉल्यूशन। ठीक है अभी इसको वेट कर लो कितना गया, और बाद में मतलब ये पता चल जाएगा, और इसका जो निकल जाएगा वो पता चल जाएगा आपको एग्जैक्टली कितना सोल्व बदल जाएगा। सेमेस्टर एंड होने के बाद आएगा आपका, सितंबर तक को तो टर्म है ना, उसके बाद आएगा आपका एग्जाम मोस्टली नवंबर, मुझे लगता नहीं नवंबर, हाँ नहीं लेकिन ये निकल जाएगा बस, अब एक आध ग्राम या दो ग्राम के निकल जाएगा। करने की जरूरत नहीं रखने, एक दो ग्राम में चल जाएंगे। तो पहले 3 आवर लगेंगे, अभी जब तक आप लोग ही थे ना।
तो चार दिन से ये रोज मैसेज कर रहा है अरे ऐसे व्यक्ति मेरा कितना मुझे फोन करना होता फॉलो लेना ये करना लेकिन इवेंट के लिए बहुत सही मेरे इतना मामला होता राइट और वैसे भी एकदम एट द इंस्टेंट कि जैसे कल के बाद आप लोग इसमें आगे कर सकते हैं मुझे भाई कैसे लगा रहा है कैसे आप लोग नहीं कर वो खुद ही बोल रहे हैं कहीं लिया तो इंडस्ट्री की जल्दी बोल गया बैंगलोर आगे के लिए ये नहीं लगता मतलब ये सीखने का तो ऐसे Thank you.
वो प्रोजेक्ट नोट पे निकाल दिया ऊपर यही कर देते यही कहना है
माइक ऑन है, माइक ऑन है, यस सर। मैं उस कर टाइप कर दूं अब एक कर मुझे नहीं भाई रॉड और गरम शायद हां है ना हो गया अभी तो ये वेट मेजर हो गया आपका अभी इस पर सीटिंग लेके आना है ना इसमें कर ये करना है ओके हो गया सर। हेलो 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 ओके तो थोड़ा टाइम लगा है ये सैचुरेट करने के लिए रूम टेम्परेचर पे राइट। टोटल कितना ग्राम गया है अभी 72 ग्राम। ओके एट रूम टेम्परेचर पे 72 ग्राम सॉल्ट कितना ग्राम गया 69 ग्राम डिजोल्व हो गया। हाँ वही डीजल की कंडीशन है वो तो माइनस करना पड़ेगा ना जो बाहर आए तो। ओके तो 69 ग्राम ऐड हो गया रूम टेम्परेचर पे। ओके अभी मतलब हमें सोल्युबिलिटी मिल गई उसकी प्रैक्टिकली और थियोरेटिकली आपको इंटरनेट और लिटरेचर पे आपको मिल जाएगी ठीक है वो सर्च करना ना। अभी अभी उसी सोल्यूशन को जो हमारा सैचुरेटेड सोल्यूशन था आफ्टर फिल्ट्रेशन ओके उसी सोल्यूशन को अभी हीट कर रहे हैं 60 डिग्री तक हीट करेंगे एंड अगेन उसमें सॉल्ट ऐड करेंगे तो एट 60 डिग्री पे भी सैचुरेशन सैचुरेट सॉल्यूशन को सैचुरेट करेंगे सॉल्ट से एंड आफ्टर दैट अगेन 60 डिग्री पे देन फिल्टर कर लेंगे एंड उसको इक्वली डिवाइड कर देंगे। हाँ हाँ कर दो ना इसका ज़्यादा रहेगा तभी तो 60 इधर आएगा ना ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा इसे आपको यहाँ ये तो ओपन सिस्टम है तो 60 डिग्री आने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा ना ऐसा होता है ज़्यादा भी हो सकता है। थर्मामीटर लेके चेक करना है तो चेक कर लेना कि गर्म हो रहा है कि नहीं तो नहीं हो रहा है ये कॉइल हीटिंग हो रहा है लेकिन हीटिंग हो रहा है It is called thermometer. Thank you.
चलो सिलेक्ट किया नहीं इसको डायरेक्ट कट मत करने के लिए गरम हो रहा है कि नहीं मतलब बदल गया गरम थोड़ी क्या अपने हम लाइट करने का मोटिव ये गरम लाइट भी आ गई अभी बंद करने का इधर से गर्म हो रही मतलब हो रही है चालू कर दो सर हमने देखा तो वो एक 2 ग्राम था तो 100 ml था तो ये 200 ml है तो उसमें सर 2 या 3 ही ग्राम ज्यादा डिजोल्व होगा ना थर्म गरम पहले एक बार नॉर्मल मापी दो नॉर्मल लेने पछि आपने थोड़ी कर खबर पड़े के गरम थाय के नहीं आरू मुकी देन अत्यार जोई ले पछी 5 मिनिट पछी जोई आप हाथ ना हाथ से बदल जाएगा ना गरम हो रहा है कि नहीं बराबर टाइम लगेगा इधर ना गरम तू छाई रहा टाइम लगेगा कंडक्शन दिखा खुद भी सकता है ना दिखा कभी नहीं है कि खुद भी सकता है मतलब करेंगे आपको तो भी इंडिकेशन करना हो तो जरूर इधर से ज्यादा गर्म है इधर से नहीं तो यहाँ से ऐसा हाथ का होगा पता चल जाएगा ना गर्म हो रहा है कर सकते हैं मेला है जी आगे जिस मेला है जी नहीं मैं ये 2 साल से तो पड़े ही हैं आगे दूर जा कहीं जैसा ऐसे लगे धुआं वगैरह कभी भी सर बता दो धुआं निकलने लगे ना सबसे पहले हीटिंग बंद कर देना मतलब स्विच बंद करके लगे तो दूर चले जाने का और नॉर्मल होने के बाद डरने का नहीं डर डर ही है लेकिन कंपनी तो एकदम सिंपल है कंपनी में तो तुमको तो कंपनी में तो तुमको खेलना है बड़े बड़े डॉक्टर छोटे मोटे प्लस तो पत्नी चलती है इसलिए कंपनी होती है छोटे मोटे फायर होते रहते हैं एक एक मर गया मैंने से रखा ना वही 3 दिन पहले मैं क्यों हम केमिकल कंपनी में थोड़ा हैजर्डस है इसलिए ऐसा बोलता
केमिकल्स की पहले बार तो इतने डेंजर होते हैं ऑपरेशन भी अभी, लेकिन ऐसा नहीं सेफ्टी भी रहती है, लेकिन होता प्रॉब्लम ही है कि बाईपास ज़्यादा करते हैं, प्रॉब्लम सेफ्टी के ऊपर ही नहीं करते मतलब, लेकिन सेफ्टी तभी तब तभी जब आपको सिस्टम के प्रोजन कॉन्स पता चले, मतलब प्रोजन कॉन्स मतलब क्या हो सकते हैं। મારો ભાઈ તે જ પ્લાન્ટમાં સેકન્ડ શિફ્ટ જ હતી, પણ એને નાઇટ ચેન્જ કરી લીધું, અને સેકન્ડ શિફ્ટમાં ફાઈ દીધું. હા વિલાયત ખરું ને, વિલાયત એ અમારા ગામથી 20 કિલોમીટર દૂર, તો અમુક ભાઈ બહેનું ઘર પરથી ચડીએ ને તો એ બધું આખું બધું દેખા આખું વિલાયત, તો તો એ વિલાયતમાં આગ લાગેલી ને અમારા ગામમાં એમ કે સૂર્ય ઉપર હોય ને એટલો જ વર થઈ ગયો. इतना कंट्रोलिंग नहीं रहेगा, इसलिए कुछ टाइम रहेगा हाथ पे तुम्हारे गर्म लगना चाहिए. देखो बहुत से एंगल ले लूं और तो बहुत से वही तो क्यों नहीं को ना पहले पर ऊपर है के एम पर ऊपर वेट हो रहा है हमारा बराबर है एनएसएल डिसॉल्व हो चुके हैं बहुत है ना बराबर ये ट्रायल एंड एरर ही रहना पड़ेगा. कांस्टेंट टेंपरेचर इसका ऑटो कटअप अगर होता है तो आप मेंटेन कर सकते हैं, मतलब ऑटो कटअप मतलब कैसे कि आपने 70 पे रखा और 70 पे एक कट हो रहा है, जैसे 70 से लेकर टेंपरेचर कट 10 डिग्री का डिफरेंस रखना पड़ेगा तब ये 60 इधर मिलेगा, तो फिर भी सोर्स टेंपरेचर ज़्यादा ही रखना पड़ेगा आपके सिस्टम के. जैसे जैकेट में आप स्टीम देते हो तो आपको 70 डिग्री रखना है तो स्टीम कितने टेंपरेचर 200 डिग्री की रहती है ना, लेकिन हम कंट्रोल करते हैं बन चालू करते हैं, या ऑटोमेशन रहता है तो वॉल बन चालू होता है, कोई भी यूटिलिटी का तो ये एक यूटिलिटी दे रहे हैं ऐसा मान लो. शुरुआत में ज्यादा रखना होगा फिर टेम्परेचर कम, फिर जैसे टेम्परेचर अच्छी होने लगे तो आपको यूटिलिटी डाउन करना पड़ेगा, वो भी कोई भी प्लांट हो रिएक्टर हो कुछ भी हो है ना, ऑटोमेशन में भी ऐसा आएगा. ऑटोमेशन में क्या होता है कि पहले सब कुछ सेट किया जाता है तभी फिर पैरामीटर सेट करते हैं, मैनुअल में ऐसा था कि हमें चेक करते रहना है, चेक करेंगे हम ऑब्जर्व करेंगे और फिर उसके अकॉर्डिंग ऑपरेशन करेंगे, ऐसा इसको निकाल देना है कर सकते टाइम निकाल देंगे करेंगे. એજ્યુકેશન સાથે ગરમ કર્યું सर. एक काम करो नमक डालना चालू करो, वो डीजल होना भी स्टार्ट हो जाए ना, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए सर. रूम टेम्परेचर क्या आपने हाई तो करी सर, इतने रूम को डीजल तो हाल लगता है सर, बाद में बड़ी चल रही एकदम हाल लगता है टाइम बता रहे हैं क्या करें ताई एक बार टेम्परेचर अच्छे से बात करें.
ये रहा सर, एक कर छोटे जगह छोटे बस और हाँ लेवल लगा उसके ऊपर है ना टेयर वेट लिख के रखो आप उसको हाथ कैसे कैसे करोगे हिट्टी कैसे करोगे सर दोनों में चालू कर देंगे एक साथ ये हिटिंग क्योंकि होगा ऐसा कि गर्म में ही करना है टेम्परेचर डाउन नहीं करना है बराबर आपको स्लो तो पिछला जैसे स्टार्ट हो जाएगा जैसे डाउन हो जाएगा हिटिंग में ही आपको इधर इक्वल करना है तो आपको बेस्ट वे क्या है कितना एम एल है अभी वॉल्व और 200 ml के आसपास होगा ना तो आप मेजरिंग सिलेंडर ले लो फटाफट और 100 ml इक्वल कर दो या ज़्यादा ले लो 200 से ज़्यादा ले लो 200 ml वाला 100 ले लो 200 या 300 मेजरिंग करने लगे कि तो सर वो कैमरे के डाउन हो जाएगा तो धीरे धीरे नीचे तो सोलो पे लेके एक बार मिल गई तुमको तो फिर आप टेम्परेचर बढ़ा देना उसका 5 डिग्री से क्या प्रॉब्लम और फिर और सेपरेट पर दो इसमें सेपरेट ना साइन था साइन अब साइन था करो हेलो अब ये तो जोन से यहां अब कर लिखे 80 60, 61, 2, 5.
अभी कितना टाइम हो गया? सर्वर से ऊपर हो गया, मेरा लेक्चर भी है। ओके तो बस वाइंड अप कर देते, अभी आप सब लिख के रखो ठीक है। हेलो हेलो, शायद कोई ऑनलाइन है। हेलो यस सर, देखो ऑपरेशन थोड़ा फास्ट हो गया सर, आपको इसलिए दिखा नहीं होगा। एक्चुअली हमने क्या किया था कि 60 डिग्री पे सैचुरेट किया उसको ठीक है, उसमें अराउंड 2 ग्राम ऐड हो गया एक्स्ट्रा, रूम टेम्परेचर पे से 2 ग्राम एक्स्ट्रा ऐड हो गया एट 60 डिग्री। ओके फिर 60 डिग्री जैसे आया तो 60 डिग्री पे हमने फिर उसको फिल्टर आउट करके उसको फिर डायरेक्टली 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो वॉल्यूम मेजर कर लिया कितना वॉल्यूम मेजर था और उसको हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड कर दिया है ठीक है, 2 बीकर में, ये एक बीकर एंड ये और इसमें हमने विथ और विदाउट सीडिंग का इफेक्ट चेक करना है राइट। तो जो हाफ हाफ पोर्शन हमने पहले डिवाइड कर दिया और कोई भी एक बीकर में हमने 3 ग्राम अगेन सॉल्ट ऐड कर दिया विथ सीडिंग इफेक्ट चेक करने के लिए। ओके मतलब विथ एंड विदाउट सीडिंग, विथ सीडिंग मतलब क्या कि हमारे सॉल्यूशन में अगेन वही जो हम ऐड कर रहे हैं सॉल्ट है ना, वही सॉल्ट एक्स्ट्रा ऐड करना उसको करते हैं सीडिंग, एक्स्ट्रा एडिशन एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा सोल्यूट है ना इन सॉल्वेंट, तो उसको सीडिंग इफेक्ट कहते हैं, मतलब सीडिंग कहते हैं। एंड सीडिंग इफेक्ट मतलब कि एज पर रिसर्च ऐसा है कि सीडिंग इफेक्ट में हमें क्रिस्टलाइजेशन फास्ट मिलता है, मतलब फास्ट होता है और क्रिस्टलाइजेशन यील्ड ज़्यादा मिलती है ठीक है। तो वही हम अभी प्रैक्टिकली चेक कर रहे हैं कि क्या होने वाला है। तो अभी आपको 24 आवर तक इसको ऐसे रखना है वैसे तो ठीक है, रूम टेम्परेचर पे अभी स्लोली 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 ठंडा होगा, वैसे वैसे क्रिस्टलाइजेशन दोनों में स्टार्ट हो जाएगा। अभी वो उसके लिए कोई टाइम नहीं है कि हम उसका क्रिस्टलाइजेशन इफेक्ट चेक कर सकें, तो इसके लिए डायरेक्टली करना हो तो आइस बाथ रखना पड़ता है। आइस बाथ में फटाफट उसको रखो तो चिल हो जाएगा, क्योंकि अभी आइस बाथ है नहीं तो हमें ऐसे रूम टेम्परेचर पर रखेंगे तो स्लोली स्लोली वो क्रिस्टलाइज हो जाएगा। ओके तो अभी आपको मेंशन कर दो है ना, यहाँ पे टैग लगा दो विद सीडिंग विदाउट सीडिंग और पेपर यहाँ पे इसको रैप कर दो पेपर से कुछ ऐड कर और यहाँ पे रख दो कोई। कोई स्टिकी नोट है ऐसा कुछ रखने के लिए यहाँ पे? कुछ नहीं यहाँ पे रख दो, एक काम करो मेरी बात ऊपर में ही लिखो और उसके ऊपर रैप करो, नहीं रहने दो उसके ऊपर लिख दो एक विथ सीडिंग विदाउट सीडिंग। अच्छा टेयर वेट तो है आपके पास, जब आओगे तो फिल्टर मार दोगे है ना, ग्रॉस वेट और टेयर वेट हाँ हमें वही चेक करना है कि रूम टेम्परेचर पे फिर कितना सिस्टम मिला। नहीं 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 इतना नहीं आएगा क्रिस्टलाइजेशन, इतना क्रिस्टल है उसको जीरो करोगे ना टेम्परेचर तो आएगा ज़्यादा, ऐसा तो नहीं आएगा आपको। आपको क्या करना है, ये ठंडा हो जाएगा ना तो सॉलिड दिखने चालू हो जाएंगे, सॉल्ट जो डाला तो वो सॉलिड में हो जाएंगे। विद सीडिंग विदाउट सीडिंग बराबर, और इसका ऐसे रख दो कहीं पे रख दो यहाँ पे हाँ उसे ऊपर ऊपर रख दो यहाँ पे रख दो हाँ यहाँ पे रख दो भाई, मतलब मिसप्लेस नहीं करेगा उसको हाँ, उसके ऊपर भी कुछ ऐसा रखते वहाँ पे रख दो चलेगा, उसमें कोई हाथ नहीं लगेगा, रख दो एक ही जगह रख दो दोनों, पानी और सॉल्ट ही है कोई चिंता ना करो।
अभी आप सब नोट डाउन कर लो कि हाँ कितना ग्राम हीटिंग में कितना ग्राम गया, एयर वेट कितना है, वो जब आओगे तो एक डायरेक्टली फिल्टर मार देना है उसका। हाँ है जी, हीटिंग में कितना 2 ग्राम गया ना, तो अभी इसके बाद की प्रोसेस कुछ है नहीं सर। तो ग्रुप में रख देना ये सब रीडिंग, आपके ऑब्जर्वेशन जो है ना वो आप ग्रुप में रख देना है ना, एलएम का जगह सॉल्ट चेंज करके ग्रुप में रख दो सॉल्ट। और क्या पहले गया ना आपका डीजल हो गया रूम टेम्परेचर, एंड देन हीटिंग में आपका 2 ग्राम गया। सीडिंग में 3 ग्राम ऐड किया ऐसा लिख के रखो, भूल जाओगे ऐसे लिखो एड सीडिंग बिकर 3 ग्राम सॉल्ट एडेड ऐसा लिख के रखो। चलो अभी इसको बंद कर दो मीटिंग को और बाद में रीडिंग रख देना ग्रुप में। देखो अभी देखो डिजिटलाइजेशन स्टार्ट हो गया ना।